नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एट नाइन और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के गर्भगृह का शिलान्यास कर दिया है। जी हां, वही राम मंदिर जिसको लेकर सालों साल केस चले और आखिरकार राम मंदिर को लेकर जो जीत हासिल की थी 2019 में, उसका असर ये हुआ कि हर कोई जो राम भक्त है वो जयकारे लगाते हुए नजर आया। इससे पहले सीएम योगी ने निर्माणाधीन राम मंदिर के गर्भगृह का शिला पूजन किया, मंत्रोच्चारण के साथ आधारशिला रखी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला सदन की प्राण प्रतिष्ठा की है। तो अयोध्या में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर भारत का राष्ट्रीय मंदिर होगा। लोग इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। राम मंदिर भारत की एकता का प्रतीक भी होगा। शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया, हमें गर्भगृह के शिला पूजन का सौभाग्य मिला है। जल्दी भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा और भक्तजन इंतजार कर रहे हैं कि आखिर राम मंदिर का काम कब पूरा होगा। और इसी कड़ी में आज योगी आदित्यनाथ ने गर्भगृह का आधारशिला रखी है। अब राम मंदिर का निर्माण तेजी के साथ होगा। गोरक्षपीठ की 3 पीढ़ियां इस काम में लगी थी। अयोध्या में 500 साल की जो तड़पने की भूख थी वो जल्द पूरी होगी। सीएम योगी ने कहा कि राम मंदिर देश का राष्ट्र मंदिर होगा। मुख्यमंत्री को रिसीव करने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी रामकथा पार्क पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण जारी है। आगे आपको सुनवाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान और क्या कुछ कहा। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ लगभग 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से शुभारंभ हुआ और सफलतापूर्वक कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। आज हमारा सौभाग्य है कि राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में भी अब शिलाओं को व्यवस्थित रूप से रखने की जो शास्त्रीय परंपरा थी उसका आज यहाँ पर सफलतापूर्वक निर्वहन का कार्यक्रम पूज्य संतों और मंदिर निर्माण से जुड़े हुए न्यास के पदाधिकारियों की उपस्थिति में आज यह कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अब मंदिर निर्माण का कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ेगा और सैकड़ों वर्षों की जो भारत की आस्था जिस पवित्र कार्य के लिए तरस रही थी वह दिन बहुत दूर नहीं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बनकर के देश और दुनिया के सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का प्रतीक तो बनेगा ही। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। भारत की आस्था को सम्मान देने के साथ साथ भारत के एकात्मता का भी एक प्रतीक होगा। और आज इस कार्य में गर्भगृह में शिला पूजन के कार्यक्रम का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर। तो पहले चरण के काम जो थे राम जन्मभूमि के वो पूरी तरह से हो गया है और आज दूसरे चरण के क्रम में काम शुरू हुआ। आज का दिन राम भक्तों के लिए खुशी का दिन है और वो खुशहाली जो है वो चेहरे पर राम भक्तों के साफ तौर पर नजर आ रही है। वहीं यहां पर योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए कि हनुमान जी की कृपा से सब काम हो रहा है। सौभाग्यशाली हूँ कि मंदिर निर्माण का साक्षी बन रहा हूँ। राम मंदिर आंदोलन के सिपाही के तौर पर मुझे भी मौका मिला। तो इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। दयाराम भार्गव जी हैं सुभाषपा से और प्रदीप भटनागर जी हैं बीजेपी से। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ। दयाराम भार्गव साहब, आज ऐतिहासिक दिन, 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, भूमि पूजन करते हैं और आज योगी आदित्यनाथ गर्भगृह की आधारशिला रखते हैं। आज
भार्गव साहब आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। अब देखिए आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल आपकी आवाज। हेलो। जी 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 काजोल जी, देखो मैं कहना चाहूंगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सत्ता संभाले, अगर आज ये महंगाई के ऊपर बात करते, बेरोजगारी के ऊपर बात करते, शिक्षा नौकरियों की बात करते, और जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, 68,500 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, 12,240 जो शिक्षक भर्ती घोटाला होता, अगर उसमें ये बात की होते तो हम जरूर सहमत होते। उसके बाद उसी उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जात के लोगों को छात्रवृत्ति शुल्क पूर्ति की अगर बात करते तो आज जरूर हम इस बात को कहते कि प्रदेश के मुख्यमंत्री दूसरे कार्यकाल में इन लोगों की बात करते। जो रोटी रोजगार नौकरियों का जो अंबार हुआ करता था हमारे उत्तर प्रदेश में, आज उत्तर प्रदेश में उसका अकाल हो गया। युवा बेरोजगारी के लिए दर दर भटक रहा है। एक आंकड़न के मुताबिक बता रहा हूं, 8 करोड़ उत्तर प्रदेश का युवा नौकरी मांगते मांगते थक गया, वो नौकरियों का लाइन हट गया, वो अपने किसी और काम धंधे में चला गया। आज देखिए अगर फोर्थ क्लास की कोई वैकेंसी निकलती है कि जो एमए की किया हुआ, एमए बीएससी किया हुआ व्यक्ति जो है फोर्थ क्लास की नौकरी में अप्लाई करने को मजबूर है। ये हमारे उत्तर प्रदेश में जो नौकरियों का अकाल है, आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, लग रहा है आप तो बिल्कुल खुश नहीं है। गर्भगृह की आधारशिला आज रखी गई है, राम मंदिर की, आप तो बिल्कुल खुश। आप बताइए। नहीं, नम्रता सुनो, हमारी बात सुनो काजोल, खुश है आप? हम ये जान नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, गर्भगृह का जो वो रख रहे हैं शिला, क्या वहाँ मंदिर से मास्टर डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बन के आएंगे क्या मंदिर से? सर आपकी बात, मेरी बात सुनिए काजोल जी, आप मुझसे पूछ रहे, ठीक है। अगर वहाँ से मास्टर डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनते हैं उसका मैं स्वागत करता हूँ। शिक्षा का मंदिर क्यों नहीं बनवाते, जहाँ से रोटी रोजगार शिक्षा दवाई और शिक्षक जो है इस तरह के तैयार होते उसकी व्यवस्था करते तो मैं जरूर। ठीक है, भार्गव साहब बहुत नाराज हैं। भटनागर साहब, भार्गव जी कह रहे हैं कि अगर जिस मंदिर में गर्भगृह की आधारशिला रखी गई है, भटनागर जी आवाज आ रही है मेरी? तो बनना पड़ेगा इंटरनेट से। जी बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। तो उनकी जो खुशी है वो चेहरे पर नजर नहीं आ रही है भार्गव साहब की। कह रहे हैं कि अगर वहां से डॉक्टर कलेक्टर टीचर बन के निकले लोग तो ज्यादा बेहतर है, इस पूजन से आज ऐतिहासिक दिन से वो खुश नहीं है। ऐसा है, मैं थोड़ा सा बता दूं, जो लोग टीचर की नौकरी छोड़ के राजनीति में आ गए हूँ उनको ये सब बातें करते हुए शोभा नहीं देते। पहले चीज भार्गव साहब देखिए, हाँ सुनते रहिएगा, मैं थोड़ा बता जी, प्रदीप जी आप जी मैं बोलूं? जी जी आवाज आ रही है आपकी। हाँ तो मैं बता देता हूँ। देखिए जो आज राम मंदिर का, प्रभु श्री राम का शिलान्यास का जो सेकंड पार्ट आज जो हुआ है गर्भगृह का, और वो इनके हो, इनके खुश होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता 100 करोड़ हिंदुओं को। इन्हें तो जाति दिखती है। सर बीच में ना बोले प्लीज, सर 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 मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच। इन्होंने शिक्षा की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, महंगाई की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बिजली आता जो है बिल आ रहा उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो लोगों की, उत्तर प्रदेश की 26 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूँ। ये हमेशा मंदिर मस्जिद, आप बताइए हमको, बताइए प्रदीप भाई, क्या मंदिर से मास्टर डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनकर निकलेंगे? मैं आपके जवाब दे रहा हूँ आस्था। और सुनिए भटनागर जी, मैं अयोध्या वासी हूँ, स्वयं इस समय मैं अयोध्या में हूँ, उससे ज्यादा अयोध्या के बारे में आपको आस्था के बारे में जानकारी नहीं है। मेरा नाम दयाराम भार्गव है, ठीक है, उससे आप आस्था के बारे में मत चर्चा करिएगा। मैंने कहा भार्गव साहब आप सुन लीजिए ना, भार्गव साहब आप सुन तो लीजिए, आपने सवाल किया उनके जवाब तो सुन लीजिए, भटनागर जी जवाब दीजिए। थोड़ा भार्गव जी को समझाइए कि हम डिबेट कर रहे हैं, बहस नहीं कर रहे हैं। पहली चीज को जब भार्गव जी को मैंने सुना, और जो भार्गव जी सवाल अगर मुझे पे करें तो उसका जवाब सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। शांतिपूर्ण प्लीज सुने, आप एक पार्टी का प्रवक्ता है जिसका आप जनाधार नहीं है, तो थोड़ा सा मैं बता दूं मैं चीज के बारे में। देखिए जो ये डॉक्टर इंजीनियर जो बातें कर रहे हैं ना, ये डॉक्टर और इंजीनियर के जो विश्वविद्यालय आज जो शिलान्यास पिछली योजना में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करे वो भी तैयार हो रहे हैं, और MBBS की जो सीटें बढ़ाई है वो भी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाए। ये जिस सरकार, जिस पार्टी के साथ अलायंस बन के और ये करके जो काम कर रहे थे वो वैसे भी राम विरोधी है, तो इनका स्वभाव है राम विरोधी ना होना चाहिए, और अच्छी बात है। और मैं समझता हूं भार्गव जी अयोध्या के हो ही नहीं सकते, अगर अयोध्या के होते तो ये कम से कम जो आपने सवाल की शुरुआत करी उस सवाल का जवाब जरूर देते।
कि प्रभु श्री राम का जो दूसरा गर्भ जो दूसरा पार्ट बन रहा है कि इसकी शुभकामना है, ये कभी बताते हैं कि 60% कितने परसेंट 60% टूरिस्ट बढ़ गया है, श्रद्धालु बढ़ गया है अयोध्या में, और हर रेड़े पटरी खोमचा शोरूम वालों को सबको होटल वालों को रोजगार बढ़ चुका है 20%, क्योंकि ये कभी हाथ करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये विपक्षी दल है, ये कभी सरकार की अच्छी बातों पे कभी गुणगान करेंगे ही नहीं, मैं इनसे उम्मीद भी करता हूं, और बहुत अच्छी बात है, कभी करना भी मत, कभी आप अच्छा बोलना ही मत, और मैं देखो भगवान करे कभी आपके मुंह पर अच्छा आए भी नहीं, मैं दुआ करता हूं आपके लिए। देखिए ये वही लोग हैं जो ये कहते थे कि राम मंदिर वही बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे, यार निर्माण शुरू हो गया है और आने वाले समय में भव्य बन के तैयारी भी हो जाएगा। और रही इंजीनियरों की बात, ये वही भारत देश है जो विदेशों में नौकरी करने जाया करता था, और ऐसी विश्व के ऐसी सी चीजें बन रही है भारतवर्ष के अंदर जो कभी यूरोप में नहीं बनी, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी हिंदुस्तानी बना रहे हैं, क्योंकि इनको ऊंट के मुंह में जीरा नजर आता है, मजबूरी क्या है, क्योंकि अलायंस है अखिलेश यादव के राम विरोधी लोगों के जिन्होंने हत्या कराई कार सेवकों की, क्योंकि इन्हें कभी अच्छा नजर आया करें। और जब हिंदू मुस्लिम बोल रहे थे ना, भी तो मैं हिंदू मुस्लिम के बारे में बता देता हूं, जरा अखिलेश यादव से पूछिएगा, मुलायम सिंह से पूछिएगा, कभी हिंदू पक्ष के लिए बोले हैं, सदैव मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए बोले हैं, श्रीमान आप लोग ही करते हो छोटा बड़ा, ओबीसी और बैकवर्ड हम नहीं करते, हमारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता, या तो एक समान और एक साथ बैठे खाना खाते हैं, तो है। थोड़ा सा मेरा निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा बोलने में संयम रखें, अभी तो थोड़ा सा जीरो, अभी तो जीरो आगे और एक पीछा है, ठीक है, तो पीछे डबल जीरो लग जाएगा आपके। चलिए एक मिनट भार्गव साहब, आपने सारी बातें सुनी ली होगी, मेरा सवाल ये है कि अगर भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और जिस तरह से आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय मंदिर होगा, इसके अलावा राम मंदिर जो है वो भारत की एकता का प्रतीक होगा, तो इसमें हर्ज क्या है? रोजगार बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, तो हर्ज क्या है? जो लघु उद्योग करते हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, हर्ज क्या है इसमें? भार्गव साहब अपना पॉइंट रखिए। देखिए मैं, देखो काजोल जी, मैं हमेशा गांव गरीब किसान मजदूर की आवाज उठाता हूँ, ठीक है, आपके चैनल पे मैं कितनी बार आया हूँ, बिल्कुल, मैं इनकी तरह आडंबर में नहीं जाता, इनके कहने से ये नहीं कि अष्टावासी हो ही नहीं सकते, ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक निगेटिव सेट हो चुका है कि हम किसको कह दे हिंदू, किसको कह दे मुसलमान, किसको कह दे देशद्रोही, ये तो इन्होंने मन बना रखा है। भैया हमने आपसे पूछा महंगाई के ऊपर कब बात करोगे, भैया हमने पूछा नौकरियों के ऊपर बात कब करोगे, अरे शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ उसमें जवाब आपने नहीं दिया, हमने बताया ना शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ उसमें गोल गोल घुमा गए। तो भार्गव जी यही बता, जेल कितने का यही बता दीजिए, जेल कितने का यही बता दीजिए, घोटाले में कितने अधिकारी जेल में यही बता दीजिए, क्योंकि आप ये नहीं बताएंगे, घोटाला तो आपने बता दिया मगर आप गिरफ्तारी नहीं बताएंगे क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हैं। सुनो 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 प्रदीप भाई, जिस सरकार में 17 बार पेपर लीक हो जाए तो आपकी मंशा जाहिर होती है, अरे एक बार गलती दोबारा क्यों हो, जिस प्रदेश के मुखिया के सामने 17 बार पेपर लीक हो जाए, एक बच्चा की पढ़ाई में प्रदीप भाई अपने हृदय पे दिल पर हाथ रख के कहिए कि जो माँ बाप का खून पसीने किसान हो है, पसीना कमा तो नेटवर्क की समस्या आ रही है, भार्गव जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रदीप जी बहुत सारे सवाल भार्गव जी ने करे हैं जी। हाँ हाँ काजोल जी मैं बता देता हूँ, देखिए ये लोग जो पेपर घोटाले की बात कर रहे हैं, देख घोटाला नहीं था वो, पेपर लीक था, देखिए ये शब्दों का तो बात है, ये घोटाला घोटाला करते हैं, घोटाला करते क्या नहीं पता अगले सौ कितने घोटाले करे, रिवर हेड भूल गए ये क्या घोटाले करे, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने छोड़ के क्यों चले गए, ये पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, इन्होंने अपने समाज के लिए क्या करा है बता देंगे जरा, कितने निषाद परिवार है जी, निषाद बिरादरी से आते जो काशी के अंदर इलाहाबाद के अंदर जो नाव से अपना जीवन जीवन चर्या चलाते हैं, कभी उसमें गए ही, उनके लिए क्या करा इन्होंने, कभी दलित की सुनी उन्होंने, कभी कभी बताया कि हमारे यहाँ लाइट चलती है 24 घंटे लाइट आती है, 24 नहीं तो 18 घंटे लाइट आती है, 16 घंटे लाइट आती है, बताया है ये हमारे आरसीसी के गांव पक्के हो चुके, बताया है कभी इन्होंने, ये बोला है कि देखिए जब कोरोना का पीक था तो यही योगी आदित्यनाथ थे जिन्होंने 1 सप्ताह के अंदर 1 लाख से ऊपर गाँव की स्कैनिंग कराई थी,
आप तो पत्रकार है, मैं आपको बताता अच्छा नहीं लगा, ये आपको ही पता है कि सबसे ज्यादा कहाँ पे मृत्यु हुई है कोरोना में, ये आपको जी, पता है जी। मगर ये लोग वो ये चीज बोलते तो हैं, मगर पूरी चीजें सब मजबूत रखते नहीं है। अभी इन्होंने बोला 17 बार पेपर लीक हुए, अरे भाई घोटाला भी घोटाला बता रहे थे, शिक्षा घोटाला, ये नहीं बताएंगे? आईएएस और कितने अधिकारी नपे, कितने जेल गए, ये नहीं बताएंगे? अरे बात तो पूरी करिए, क्योंकि ये अखिलेश, ये अखिलेश बिरादरी के हैं, वही बात करेंगे। आपकी बात से भी मैं सहमत हूँ, लेकिन अगर विपक्ष कोई सवाल पूछ रहा है तो ये भी उनका राइट है। अगर वो महंगाई पर पूछ रहे हैं, बेरोजगारी पर पूछ रहे हैं, तो ये भी ये आपका फर्ज है कि आप उनको संतुष्ट करें, आप बताएं। जी बिल्कुल, देखिए काजल जी, आप महंगाई की बात करें, महंगाई हमने तो नहीं मना करा, आप महंगाई पे डिबेट ना कीजिए, हम तो कह रहे करिए आप डिबेट महंगाई पे, और हम आपका जवाब देंगे, नहीं जवाब देंगे तो मैदान छोड़ के चले जाएंगे। आप जो आप बात कीजिए हमसे बेरोजगारी पे उत्तर प्रदेश को लेके, अरे हमने चुनाव लड़ा, हमने 4.5-5 लाख बच्चों को रोजगार दिया, और हमने गारंटी दी थी, और हम और देंगे बच्चों को नौकरी, हमारे पे जवाब है। हमने 22 सीने मिले चालू करी उत्तर प्रदेश के अंदर, वही चालू करी जो बंद पड़ी थी, क्यों चालू करी? रोजगार मिलेगा। आज जो पूर्वांचल के अंदर चाहे बनारस हो, इलाहाबाद हो, चाहे जहां जहां हमारे धार्मिक स्थल है, वहां क्यों आज विकास का वो पथ चल रहा है? इसलिए चल रहा है, वहां का लघु उद्योग बढ़े, वहां के स्वयं रोजगार बढ़े, वहां के सब जो पिछड़े वर्ग है वो आगे आए। कभी ये चीजों पे फोकस करना चाहिए, वो पूर्वांचल की वो जमीन जो कभी एक टाइम के अंदर, कभी एक टाइम में कभी 1000 रुपए 500 रुपए बीघा गज बिकती थी, आज वो कहाँ पहुंच गई है इसको नहीं बताएंगे कभी भी। ठीक है ठीक है, फिर ये हमेशा ये लोगों को कभी भी, काजल जी ये इनको तो मैंने कहा ना ऊंट के मुंह जीरा। प्रदीप जी एक मिनट, भार्गव साहब आ गए हैं, भार्गव साहब। देखिए देखिए काजल जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हमारे भाई ने ना तो शिक्षा के ऊपर जवाब दे रहे हैं, ना महंगाई के ऊपर दे रहे हैं। सर इस पे भी आप बताइए, ये देश कैसे चलेगा? डिबेट करेंगे आप मेरे सवाल, नाराज मत होइए, नाराज मत होइए, उस पर भी डिबेट करेंगे और चर्चाएं होती हैं। भार्गव जी आप ना आप खुश हैं जो रामलला का मंदिर बन रहा है, आप खुश हैं उस चीजों से? हाँ, मैं भी यही सवाल पूछ रही हूँ कि क्या भार्गव साहब खुश हैं कि राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द होगा, अव्वल तरीके से होगा, भव्य रूप से होगा, राष्ट्रीय मंदिर होगा, एकता का प्रतीक होगा, क्या भार्गव साहब खुश हैं इससे? नहीं, एक बात बताइए, ये प्रदीप भाई हमें बताएंगे कि हम खुश हैं कि नहीं है? सर मैं आपसे पूछ रही हूँ, इनके कहने से हम खुद या नाराज होंगे? हमने आपको बताया ना, अरे देश की मुद्दा जो है मंदिरें रह गया क्या, रोटी रोजगार शिक्षा दवाई ये भूल गए, महंगाई भूल गए क्या? मैंने बार बार कहा, ये अगर मंदिर की बात करेंगे तो मैं शिक्षा रोटी दवाई की बात करूंगा, मैं उन लाखों लोगों करोड़ों लोगों जो बेरोजगार हो गए उसकी बात करूंगा, जो इनके इनके शासन काल में जिनको नौकरियां थी नौकरियां चली गई, मैं उनकी बात करूंगा। जिन बच्चों को क्या हो, जिन बच्चों को जो है हॉस्टल से निकाल निकाल करके योगी सरकार ने पीटा है, मैं उनकी बात करूंगा। सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, अब गुस्सा मत होइए पहली बात तो। दूसरा ये कि सर जो राम मंदिर इतने सालों से जिसका मुद्दा सुलझा नहीं था, बमुश्किल सुलझा है, लोगों की जान गई, क्या उसके लिए भी आप खुशी जाहिर नहीं करें कि आखिर उनकी जान गंवाने के पीछे अब आखिरकार जो मंसूबे थे, जो मंशा थी, वो पूरी हो रही है, आखिरकार भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है? मैं बस उससे पूछ रही हूँ, महंगाई और शिक्षा बेरोजगारी आपके मुद्दे बिल्कुल ठीक है, इस पर हम चर्चा भी करते हैं, आप भी हमारे साथ बैठे हैं कितनी बार। देखिए काजोल जी, आस्था हमारा मंदिर है, हमने कहा ना हम आस्था के साथ है, आस्था में कौन नहीं करता, बहुत अच्छी बात है, तो कौन नहीं करता बताइए आप, हमें कौन बात नहीं करता आस्था की? लेकिन आस्था को छोड़ करके भी तो हमारे देश प्रदेश में कुछ है, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी के पीछे छिपे रहेंगे? आइए आप 5 साल में योगी जी ने कितने कॉलेज बनाए हमें बता दीजिए, ये रोजगार कितनों को कौन से जिले में किस विभाग में दिया उसकी चर्चा कर लीजिए। हमने कहा ना रोटी रोजगार शिक्षा दवाई किस प्रदेश में होगा, देश प्रदेश का युवा जो है आगे बढ़ेगा, वो प्रदेश आगे बढ़ेगा, आप इसकी चर्चा क्यों नहीं करते? कब करा जाएगा? हर टीवी चैनल पे हम लोग इसको उठाते हैं, लोग कहते हैं राम विरोधी है, ये लोग कहते हैं हिंदू विरोधी है, अरे भारतीय जनता पार्टी के कहने से कि हम हिंदू हैं या क्या है, ये सर्टिफिकेट बांट रहे देश में, क्या इसके पहले हम लोग राम भक्त नहीं है? क्या अभी जनता ने सर्टिफिकेट दिया ना अखिलेश जी को, और राजभर जी को सर्टिफिकेट दिया ना जनता ने, कितना बड़ा सर्टिफिकेट दिया, इतना बड़ा सर्टिफिकेट दिया जनता ने, इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा सर्टिफिकेट दिया जनता ने आपको, जवाब दे लीजिए ना सर, भाई सुन लीजिए, जनता ने गठबंधन को वोट दिया, जनता पहले पेपर पे 2,47,000
अच्छा वोट हमें मिले, भारतीय जनता पार्टी से हार गई, लेकिन हमारी विफलता का कारण ये नहीं है, जनता ने हमको सहयोग दिया, लेकिन आपके प्रशासन के द्वारा जिस तरह आपने गेट सेट करके, जिस तरह आपने डीएम सीएम को सेट करके जिस तरह सरकार बनाई, वो सर्वविदित 80 सीटों पर हम 1000-2000 के बीच के अंतराल से हमारे ऐसी बात कर रहे हो अपनी भाई। और दूसरी बात, जो भी सारा है हमें सशक्त विपक्ष मिला है भाई, आप ही लोग कहते ठीक है। भार्गव साहब जवाब दीजिए, हड्डी लग गया, देखिए हम काश्मीर में आ गए भाई, आप बताइए ये कहते जिस पार्टी के लोग हैं, अभी आप देखते रहिए, ऐसा नहीं है, ये कहावत है सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, ठीक है। भार्गव जी सुनिए, अरे सुनो सर, सुनो भार्गव साहब सुने, दवाई के लिए मिला है उनकी बात करिए आप, ठीक है। प्रदीप जी देखिए, भार्गव जी उत्तेजित हुए हैं बहुत ज्यादा, तो ये मुझे लगता भी है, बाकी खिसियाने से चाहिए भी, क्योंकि बेचारे बहुत बुरी तरीके से हारे हैं और जनाधार जीरो हो गया, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के श्री आए थे कि इन्हें बहुत बड़ा विशाल जनाधार मिलेगा और राजभर जी मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के। राजभर जीरो तो हो ही गए ना, जीरो तो हो गए ना राजभर जी, हमें वही खुशी है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, सुन लीजिए सर, भार्गव जी समय खराब ना करें, समय कम है डिबेट का, 100 वोटों पर पहुंच गए सर। आज मैं थोड़ा सा काजल जी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी चीजें, मैं थोड़ा सा भार्गव जी को भी दुरुस्त कर दूं, भारत के अंदर सोमनाथ मंदिर है, गंगोत्री है, केदारनाथ है, और तुम्हारा क्या नाम गंगोत्री यमुनोत्री मैंने कहा है, अयोध्या जी है, मथुरा है, पूरे विश्व के और पूरे भारत के लोग दर्शन करने जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि वो उनके लिए समझे तो मक्का मदीना है, राम मंदिर पूरा दुनिया पूरा विश्व जाता है, पूरा भारत जाता है, हिंदू धर्म पूरा जाता है वहां पूजने के लिए, हर जाति धर्म का लोग जाता है, क्यों जाते हैं, उनकी आस्था है, उन्हें पूछते हैं, क्या पता आपको मक्का मदीना के अलावा कौन कोई मुस्लिम है भारत के अंदर जो तीर्थ करने जाता हो, जामा मस्जिद सीलमपुर आता हो, ठीक है आप कोई तो कोई आपको पता है कि जो बाद विध्वंस करा बाबरी मस्जिद वहां कोई नमाज पढ़ने जाता हो, दोनों की बात से चीजें स्पष्ट हो गई है सर। और जो भार्गव जी ने कहा कि महंगाई पर आप चर्चा कीजिए, देखिए हम चर्चा करते हैं और आप अगर महंगाई की बात सुन लीजिए, महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा करेंगे सर, मेरे पास समय की बहुत कमी है, आप लोगों का मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी, आप लोग मेरे साथ जुड़े और अपनी अपनी बातें जो है वो स्पष्ट रूप से आपने रखी है। तो आज राम मंदिर पार्ट 2 जो चल रहा है उसका आज शिलान्यास हुआ है, दरअसल पहले भूमि पूजन हुआ था और आज योगी आदित्यनाथ ने गर्भगृह की आधारशिला रखी है, जिसको लेकर राम भक्तों में खुशी का माहौल है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष बौखलाया हुआ है, विपक्ष का कहना है कि महंगाई बेरोजगारी पर सरकार बात नहीं करती है, सरकार सिर्फ आस्था के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। अब आगे इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी वो तो देखना होगा, फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।